हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं और ये 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस थोड़ा लेंदी हैं और आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए एक एक क्वेश्चंस को आप देखिएगा, एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा और अपना स्कोर चेक कीजिएगा। थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं। एंड दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर सभी प्रकार के कॉन्टेंट अवेलेबल हैं। सभी टॉपिक वाइज थ्योरी सेशन दिया गया है एंड चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, 79 वीडियोज इंग्लिश हिंदी में प्रैक्टिस कराया गया है एंड डेली बेसिस में आपको फ्री में प्रैक्टिस करा ही रही हूँ। बस मेरे साथ डेली बेसिस जुड़े रहिए। आगामी जितने भी वैकेंसी आएंगी, परीक्षाएँ आएंगी, अब उसमें एक सीट अपना आपका हो। तो दोस्तों, चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, जिम्नास्टिक्स सबसे अधिक लोकप्रिय थी। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जर्मनी में गर्स मर्स को जिम्नास्टिक का पितामह कहा जाता है। इस प्रकार सबसे ज्यादा लोकप्रिय थी जर्मनी में जिम्नास्टिक्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो को जनक के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, प्लेटो जो हैं वो आदर्शवाद आइडियोलिज्म के जनक हैं एंड प्रकृतिवाद के जनक हैं, प्रकृतिवाद नेचुरलिज्म के रूसो एंड यथार्थवाद रियलिज्म के जनक हैं अरस्तु एंड वास्तविकतावाद यानी जिसे प्रैग्मेटिज्म या व्यवहारवाद या एक्सपेरिमेंटिज्म भी कहते हैं, उसके जनक हैं जॉन डीवी। तो इतना याद रखना आपको आवश्यक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की सर्वाधिक सामाजिक प्रक्रिया है। तो दोस्तों, मानव की सर्वाधिक सामाजिकता प्रक्रिया क्या होगा? एक सोशल अंडरस्टैंडिंग होगा, ठीक है, यानी कि सामाजिक समझ होना चाहिए, सोशल अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि और विकास के प्रबल मुख्य फैक्टर हैं। तो दोस्तों, वृद्धि और विकास को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है अनुवांशिकता एंड पर्यावरण, यानी हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंटल, यानी कि आप उसको बोल सकते हैं प्रकृति और पोषण या नेचर एंड नर्चर। तो जो हमारा दोनों तो बहुत प्रभाव करते हैं, बट दोस्तों सबसे ज्यादा प्रमुख प्रबल घटक की बात कर दी तो यहाँ पे जो अलग अलग दिया रहेगा, तो यहाँ पे अनुवांशिक घटक यानी कि जेनेटिक फैक्टर ज्यादा राइट होगा, ऑप्शन नंबर क यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट है, ओलंपिक आदर्श, जो ओलंपिक मोटो है, सीटियस आर्टियस फोर्टियस के शब्द किसके द्वारा दिए गए? तो दोस्तों, आप सबको पता है ये फादर हेनरी डिडान के द्वारा दिया गया था, जो ओलंपिक आदर्श वाक्य है फादर हेनरी डिडान के द्वारा दिया गया था। एंड लेकिन दोस्तों, क्वेश्चंस अब जो एक नया शब्द जुड़ गया है कम्युनिटर, उसको भी पूछा जाता है, जैसे कि बीपीएससी टीआई 2 में पूछा गया था। अब आपको कहा जाएगा कि ओलंपिक मोटो सीटीएस एलटीएस फोर्टीएस कम्युनिटर, यानी कि और फास्टर हायर स्ट्रांगर टूगेदर, यानी और तेज और ऊंचा और बलशाली एक साथ, इस तरह से आप उसको कहेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, आप यहां मिलान करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है कि सूची 1 को 2 के साथ हम मिलान करेंगे, तो यहां पे होगा स्पार्टन शिक्षा की औपचारिक पद्धति। तो दोस्तों, स्पार्टा में जो शिक्षा की पद्धति होती थी उसे हम एगॉप कहते थे। क्या कहते थे? स्पार्टा में शिक्षा की पद्धति को एगॉप कहते थे। तो 1 का 2 हो जाएगा, ठीक है। एंड उच्च शिक्षा की संस्था क्या थी? तो दोस्तों, उच्च शिक्षा की जो संस्था थी वो थी स्कूल ऑफ ग्रामेटिक्स, जैसे कि पूर्वार्ध रोम काल में यूनान की शिक्षा पद्धति को अपनाया गया और एक लेडर नामक पद्धति को शामिल किया गया, जिसमें प्राइमरी स्तर पर स्कूल ऑफ लिटरेचर, सेकेंडरी स्तर पर स्कूल ऑफ ग्रामेटिक्स एंड हायर लेवल पर स्कूल ऑफ रेटर शामिल था। तो यहाँ पे स्कूल ऑफ रेटर नहीं दिया है, तो यहाँ पे स्कूल ऑफ ग्रामेटिक्स हो जाएगा। तो 2 का
4 हो जाएगा। एंड दोस्तों 3 है खेल एवं स्वास्थ्यता क्लबों सहित लोक स्नानागार। तो आप दो स्नानागार देखते हैं, एक आपको मिलता है पूर्व एथेंस काल में मड बाथ कीचड़ स्नान, और एक आपको मिलता है उत्तरार्ध रोम काल में थर्म फॉर बाथ, जिसे कोलेजियम स्नान गृह व्यायाम के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्मी। 3 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 का 3 हो जाएगा, सॉरी दोस्तों यहाँ पे आपका मैं पढ़ रही थी खेल एवं स्वास्थ्य क्लबों सहित स्नानागार, तो 3 का 3 ही हो जाएगा, 3 का क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। चौथा है एथेरियन कुश्ती स्कूल। जैसे कि आपको पता है कुश्ती या व्यायामशाला को पैलेस्ट्रा कहा जाता था, पूर्व एथेंस काल में व्यायामशाला को पैलेस्ट्रा कहा जाता था, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पैलेस्ट्रा। चौथा का 1 हो जाएगा, जिसमें कुश्ती मुक्केबाजी और जिम्नास्टिक सिखाई जाती थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क जो है आपका राइट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से रेस्पिरेटरी मसल्स किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन 101% आ सकता है। निम्न में से रेस्पिरेटरी मसल्स किसे कहते हैं, तो दोस्तों रेस्पिरेटरी मसल्स जो है इंटरकोस्टल मसल्स को कहते हैं, जो हमारे बीच में मोटी हड्डी वक्ष पर होती है स्टर्नम, उससे दोनों तरफ बाएं बाएं पसलियां यानी रिब्स जुड़ी होती हैं, रिब्स के बीच बीच में आपका इंटरकोस्टल मसल्स जुड़ी रहती है, जिसके फैलने सिकुड़ने से जो है फेफड़ा जो है बाहर की तरफ और अंदर की तरफ गति करता है। ठीक है, जब बाहर की तरफ गति करेगा तो हवा अंदर जाएगा, और जब अंदर की तरफ गति करेगा तो हवा बाहर निकलेगा, यानी इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन प्रक्रिया होती है। तो रेस्पिरेटरी मसल्स की थी किसे कहते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स को। नेक्स्ट है मांसपेशी क्रिया पूर्तियां निर्भर है, तो दोस्तों जो भी हमारा मांसपेशी फंक्शन है क्रिया है, वो हमारे जब हमारे मसल्स को मोटर नर्व के द्वारा तंत्रिका आवेग एक्शन पोटेंशियल जो है हमारे मसल्स में पहुंचती है, तब हम हमारा जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और हमारा मसल्स कार्य करता है। जैसे हमें कोई बुक उठाना है तो हमारा सेंसरी ऑर्गन जो है हमारे मस्तिष्क को यानी ब्रेन को वो संदेश भेज देती है, और ब्रेन तुरंत मोटर नर्व के द्वारा उस संदेश को हमारे हाथों तक पहुंचाता है, हाथों के मसल्स पर जहां हमारा हम उस पुस्तक को उठाते हैं। तो दोस्तों ये हमेशा हमेशा जो हमारा मसल्स क्रिया है फंक्शन है ये तंत्रिका एवं रक्त संचरण ब्लड सप्लाई पर निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति स्पर्धा में धावक मूत्रवर्धक यानी ड्यूरेटिक्स मादकों का सेवन करता है, तो दोस्तों आपको पता है जो ड्यूरेटिक्स होता है वो एक नशीली दवा है, डोपिंग के अंतर्गत प्रतिबंधित है, जो भार को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग 3 चीजों के लिए किया जाता है, एक भार को कम करने के लिए, दूसरा डोपिंग को छुपाने के लिए, और तीसरा महिलाओं की मासिक धर्म के समय को परिवर्तित करने के लिए। डोपिंग का वीडियो आपको देखना है तो आप जो है शारीरिक चिकित्सा यानी कि जो स्पोर्ट्स मेडिसिन है उसमें खेल चिकित्सा वाले प्लेलिस्ट में जाइए, सभी डोपिंग को सार में मैंने अच्छे तरीके से बताया हुआ है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिस्पर्धा पूर्व कार्बोहाइड्रेट लोडिंग की समय अवधि की आवश्यकता घंटों में है, यानी प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता कंपटीशन की पूर्व कितने समय पहले हम कार्बोहाइड्रेट लोडिंग ले सकते हैं, तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर होगा 3 से 6 घंटे पहले। कितने घंटे पहले, 3 से 6 घंटे पहले। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको अभिकथन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तर्क ए और तर्क आर से आधारित है। तो अभिकथन ए है कि क्रेव्स के चक्र में एरोबिक ग्लाइकोलिसिस के दौरान निर्मित पाइरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच जाता है, इसका आगे ऑक्सीकरण होता है, जो दोस्तों अनएरोबिक क्रिया ग्लाइकोलिसिस होता है उसमें 2 एटीपी का निर्माण होता है,
और 2 पायरुविक अम्ल का, वही जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, जहां आगे चल के एरोबिक रिस्पायरेशन के द्वारा वहां पे ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जरण होता है, जिसे एटीपी का निर्माण होता है। तो ए आपका तो राइट लग रहा है, ठीक है। एंड ख है कि क्रेव्स के चक्र में पायरुविक एसिड के ऑक्सीकरण से, पायरुविक एसिड का ऑक्सीकरण तो होता है, लेकिन उससे क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्राप्त होता है, जल भी प्राप्त होता है, बट लैक्टिक एसिड का निर्माण यहाँ पे नहीं होता है दोस्तों। लैक्टिक एसिड का निर्माण अनएरोबिक रेस्पायरेशन यानी ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया, जहाँ जो कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है वहां पे होता है, जबकि जो एरोबिक रेस्पायरेशन होता है क्रेव्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में, वहां पे आपका लैक्टिक अम्ल का निर्माण नहीं होता, इसलिए आर गलत है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, ए सही है बट आर गलत है। नेक्स्ट है द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक यानी सेकेंड क्लास लीवर में अवरोध यानी कि रेसिस्टेंस किसके बीच रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां पे मैंने आपको बताया है कि एफ ए आर 312। तो दोस्तों यहां पे कहा है कि जो अवरोध रेसिस्टेंस है किसके बीच में होता है, तो जब बीच में रेसिस्टेंस हो गया तो बचा कौन, फोर्स और एक्सिस। फर्स्ट प्रकार के लीवर में एक्सिस बीच में, सेकेंड प्रकार के लीवर में रेसिस्टेंस यानी भार बीच में, और थर्ड प्रकार के लीवर में फोर्स यानी बल बीच में। तो जब अवरोध किनके बीच में रहेगा, तो एकदम इजी से इजी क्वेश्चन है, बस आपको दिमाग लगाना है। अगर अवरोध यानी रेसिस्टेंस बीच में है तो किसके बीच में रहेगा, तो दो ही बचा, कौन दो बचा, फोर्स एंड एक्सिस। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क, फलक्रम और फोर्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उत्तेजक पदार्थ अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पे शराब नहीं दिया है, क्योंकि शराब भी प्रतिबंधित नहीं है। जो ए ऑप्शन दिया है चारों में से, मैराजुआना, कैफ, सॉरी दोस्तों, कोकेन, एफेड्रिन, ये सभी प्रतिबंधित है, बट आपका कैफीन जो है वो प्रतिबंधित नहीं है, क्योंकि कैफीन जो है उत्तेजक के अंतर्गत आता है, बट 2004 के बाद से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति या विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया है कैफीन को, और एक शराब को भी नहीं किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, तेज गति की दौड़ों में मुख्य कारण है, दोस्तों हमारे मसल्स फाइबर तंतु में दो प्रकार के तंतु होते हैं, रेड मसल फाइबर एंड व्हाइट मसल फाइबर। जो व्हाइट मसल फाइबर होता है वो फास्ट ट्विस्ट जल्दी जल्दी संकुचित होता है, जो रेड मसल फाइबर होता है वो स्लो ट्विस्ट धीरे धीरे संकुचित होता है। जो व्हाइट मसल फाइबर होता है जल्दी जल्दी संकुचित होता है वो अनएरोबिक क्रियाओं जैसे कि हाई इंटेंसिटी तेज गति की क्रियाएं कम समय में हाई इंटेंसिटी वाले में वो व्हाइट मसल फाइबर यानी कि तेज तेज संकुचित होने वाली जो तंतु होती हैं काम करती हैं, और जो एरोबिक सहनशीलता वाले ज़्यादा समय की क्रियाएं होती हैं वहाँ पे रेड मसल फाइबर यानी धीरे धीरे संकुचित होने वाली फाइबर तंतु काम करती हैं। तो यहाँ पे तेज गति की दौड़ों का मुख्य कारक क्या है, तो मांसपेशी तंतु यानी फाइबर के प्रकार आपका मुख्य कारक होंगे। नेक्स्ट दोस्तों, एक प्रक्षेपण यानी प्रोजेक्टाइल की उड़ान केवल ऊंचाई और समय पर निर्भर करती है। तो दोस्तों मैंने आपको प्रोजेक्टाइल के बारे में अच्छे ढंग से बताया हुआ है, आप फिजियोलॉजी बायोमैकेनिक्स के प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए प्रोजेक्टाइल होता क्या है, यानी कि जैसे जैवलिन, शॉटपुट, डिस्कस थ्रो आदि को इस कोण यानी एंगल पर फेंका जाए कि वह अधिकतम दूरी तय करे, इसका ज्ञान हमें प्रोजेक्टाइल के अंतर्गत होता है। यानी किसी वस्तु को यदि 45 अंश के कोण पर फेंका जाता है तो वह अधिकतम दूरी तय करती है, यदि 90 अंश के कोण पर फेंका जाए तो कोई भी दूरी तय नहीं करती है, अर्थात प्रक्षेपण शून्य होता है। तो यहाँ पे आपका कह रहा है कि उसकी उड़ान जो है प्रोजेक्टाइल की, प्रक्षेपण की उड़ान केवल ऊंचाई और समय पर निर्भर करती है, तो धकेलने की शक्ति जो होती है हमारी उस पर, यहाँ पे विमोचन का कोण होना चाहिए बट यहाँ पे राइट आंसर दिया गया है धकेलने की शक्ति, इसलिए इसको थोड़ा सस्पेंस रखते हैं और इसको आप सर्च कीजिएगा, और आपको अगर एग्जैक्ट आंसर पता है तो आप जरूर बताइएगा, अपना तर्क दीजिएगा। यहाँ पे धकेलने की शक्ति दिया हुआ है,
नेक्स्ट है, किस कोण के पश्चात अतिरिक्त खिंचाव यानी हाइपर एक्सटेंशन प्रारंभ होता है? तो दोस्तों जैसे आप अपने कंधे को एकदम से ऊपर उठा दिए, बगल में उठाएंगे तो एब्डक्शन हो जाएगा, लेकिन कंधे के लेवल के बराबर एब्डक्शन हो जाएगा। उससे ऊपर जब एकदम हाई ऊपर उठा देंगे तो वो हाइपर एक्सटेंशन के अंतर्गत आ जाता है, वहां पे 180 डिग्री आपका कोण बनेगा। ठीक है, तो 180 डिग्री कोण के पश्चात आपका क्या होगा? अतिरिक्त खिंचाव यानी हाइपर एक्सटेंशन होता है, जिसमें इसमें डेल्टॉइड मसल्स कार्य करती है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको मिलान करना है। तो यहाँ पे देखिए, कब्जा संधि हिंज ज्वाइंट क्या होता है? एक तल में गति होता है, जैसे दरवाजा एक तरफ घूमता है, इसको कोर संधि भी बोलते हैं, या हिंज संधि, कब्जा संधि। इसमें घुटने, कोहनियों, उंगलियों का जोड़ आता है, तो इसमें एक का एक ही हो जाएगा। ठीक है, एंड सैडल ज्वाइंट क्या होता है? परस्पर आदान प्रदान करने वाली गति होती है, जैसे अंगूठा समस्त उंगलियों के पास पहुंच जाता है, तो यहाँ पे अंगूठा हो जाएगा, टू का टू ही हो जाएगा। अल्पचल संधि यानी एम्फियार्थ्रोसिस ज्वाइंट, ये बहुत कम चलने वाली संधि होती है, अचल संधि, अल्पचल की बात हो रही है, तो ये थ्री का थ्री हो जाएगा। बहुचल संधि यानी डायर्थ्रोसिस को ज्वाइंट कहते हैं, जो स्वतंत्र गति की संधि होती है, तो यहाँ पे फोर का फोर हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, फिर से आपको मिलान करना है, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, यहाँ पे भूख है, सुसामाजिकता है, जिज्ञासा है, वातावरण है, तो भूख क्या होगा? दोस्तों भूख यहाँ पे क्या होगा? तो दोस्तों भूख जो है वो एक सामाजिक चालक है, ड्राइवर है, हमको चलाने वाला, समाज को चलाने वाला है भूख, तो एक सामाजिक ड्राइवर हो जाएगा भूख का। ठीक है, एंड सुसामाजिकता, सुसामाजिकता का क्या हो जाएगा? अनसीखे, सुसामाजिकता का हो जाएगा टू का टू ही हो जाएगा। अनसीखे आशय यानी मोटिव, जिज्ञासा मतलब एक आश्चर्य होता है, किसी चीज को देखकर जानने की इच्छा, तो आश्चर्य हो जाएगा थ्री का फोर। वातावरण क्या है? ये हमारे लिए पोषण देता है, हमारा पालन पोषण करता है, इसलिए पोषण हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर घ यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सुमेलित नहीं है, काइफोसिस, लार्डोसिस, स्कोलियोसिस एंड फ्लैट फुट, इन चारों के बारे में आप तो जानते ही हैं दोस्तों। जो काइफोसिस होता है वो क्या होता है? काइफोसिस को हम घुमावदार पीठ, कुबड़ा, हंचबैक, राउंड बैक, थोरेसिक काइफोसिस आदि नामों से जाना जाता है। इसमें एक्सेसिव आउटवर्ड कर्वेचर ऑफ द स्पाइन होता है, यानी पीठ पीछे बाहर की ओर निकल जाता है। तो यहाँ पे दिया है काइफोसिस कॉनवेक्सिटी ऑफ थोरेसिक रीजन ऑफ स्पाइन, तो थोरेसिक वच वाले भाग में पीछे तरफ निकल जाता है, तो राइट है। यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं है इसको आपको देखना है, तो क आपका राइट है। ख है लार्डोसिस, इनवर्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइन, यानी कि इनवर्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइन, तो जो कमर वाला भाग होता है इनवर्ड अंदर की तरफ घुस जाता है, पेट बाहर की तरफ निकल जाता है। ठीक है, तो इनवर्ड एक्सेसिव इनवर्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइन होता है लार्डोसिस में। लार्डोसिस को हालो बैक, स्वे बैक, बैक पोस्टर डिफेक्ट, सैडल बैक आदि नामों से जाना जाता है। तो आगे की ओर कुबड़ा यानी कि पेट बाहर की तरफ निकल जाता है और कमर वाला भाग अंदर की तरफ धंस जाता है। ठीक है, जबकि काइफोसिस में क्या होता है कि वच वाला पीछे वाला भाग जो है वो बाहर की तरफ निकल जाता है। तो यहाँ पे ए भी आपका राइट होगा, खो भी आपका राइट हो रहा है। एंड दोस्तों ग है स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस क्या होता है? मेरुदंड की पार्श्व कुब्जता यानी लेटरल डिविएशन ऑफ स्पाइन, यानी मेरुदंड का एक ओर झुक जाना, जिससे शोल्डर एक तरफ हुआ, हिप दूसरी तरफ झुक जाते हैं। यानी कि स्कोलियोसिस दो प्रकार की होती है, सी यानी सिंगल स्कोलियोसिस, एस यानी डबल स्कोलियोसिस। वच में होने पर थोरेसिक स्कोलियोसिस और कमर वाले भाग में होने पर लंबर स्कोलियोसिस होता है। तो ये वच और कमर और गर्दन तीनों में होता है, और जो हमारा स्पाइन होता है, तो यहाँ पे आपका ग भी राइट होगा। यहाँ पे है एग्जेजरेशन ऑफ नॉर्मल कनकेविटी ऑफ लंबर रीजन। घ है दोस्तों फ्लैट फुट।
पैर में उचित चाप का होना, ये आपका सुमिलित नहीं है, क्योंकि पैर में उचित चाप नहीं होता है फ्लैट फुट में। ठीक है, फ्लैट फुट में पैर में उचित चाप नहीं होता है। फ्लैट फुट में क्या होता है, जैसा हमारा सामान्य पैर होना चाहिए वैसा नहीं होता, यानी खड़े होने पर पंजों के नीचे कोई वक्र नहीं बनता है, समतल सपाट होता है, उसे फ्लैट फुट कहते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट कोण नहीं है दोस्तों, आपका घ वाला ऑप्शन राइट नहीं है। इस क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा तभी आप राइट आंसर दे सकते हैं। आज के क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी है, तो धैर्य बना करके सभी क्वेश्चंस को देखिएगा, नहीं तो आप धैर्य नहीं बनाएंगे, आधे पर छोड़ के भाग जाएंगे तो यहाँ पे आपको ही घाटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभ्यास और त्रुटि, ट्रायल एंड एरर अधिगम को यह भी कहते हैं। तो अभ्यास त्रुटि का सिद्धांत दिया था ट्रायल एरर सिद्धांत थॉर्नडाइक ने, और इसको मूल प्रवृत्ति अधिगम भी कहा जाता है, इसको मूल प्रवृत्ति अधिगम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, जब कोई टेनिस खिलाड़ी गोल्फ सीखने का प्रयास करता है तो वह क्या है? तो दोस्तों जो प्रशिक्षण का स्थानांतरण है, सीखने का स्थानांतरण है, तीन प्रकार का होता है, सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य स्थानांतरण। जब कोई पहले का ज्ञान नए कार्य करने में सहायता करे तो उसे सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं, और जब कोई पहले का ज्ञान नए कार्य करने में जो है बाधा उत्पन्न करे तो उसे नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं, और जब कोई पहले का सिखा गया कार्य नए कार्य करने में न बाधा उत्पन्न करे और न सहायता करे तो उसे शून्य स्थानांतरण कहते हैं। यहाँ पे टेनिस खिलाड़ी गोल्फ सीखने में प्रयास करता है यानी सहायता कर रहा है, तो यहाँ पे आपका सकारात्मक स्थानांतरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीम के खिलाड़ियों में अंतर व्यक्तिगत झगड़ों का प्रायः कारण होता है। तो दोस्तों टीम के खिलाड़ियों में अंतर व्यक्तिगत झगड़ों का कारण होता है, यहाँ पे सद्भावना की कमी, कौशल स्तर, स्किल टेस्ट एंड प्रयास, उपरोक्त सभी चीजें आपका राइट कारण होता है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे अभिकथन से रिलेटेड क्वेश्चन है, अभिकथन ए और तर्क आर से। तो अभिकथन ए है कि व्यावसायिक खेलों का प्रबंधन फुटबॉल, बास्केटबॉल अथवा बेसबॉल सरीखे खेलों के खिलाड़ियों को बहुत उच्च वेतन देकर भर्ती करते हैं। यह ए तो राइट है आपका, आर तर्क आर है कि उपरोक्त कथन से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि खिलाड़ी केवल धन के लिए खेलते हैं। नो दोस्तों, ऐसा नहीं है, खिलाड़ी केवल धन के लिए खेलते हैं गलत है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए सही है बट आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम की पूर्ति के लिए कौन सी सुविधा अधिक आवश्यक है? तो दोस्तों ये सभी सिंथेटिक हॉकी मैदान, इंडोर पिस्टल शूटिंग रेंज, इंडोर बैडमिंटन हॉल, इंडोर बहुउद्देशीय हॉल यानी मल्टीपर्पज हॉल सभी होते हैं, लेकिन सबसे अधिक सुविधाजनक आपका होता है इंडोर बहुउद्देशीय हॉल यानी मल्टीपर्पज हॉल, आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंदर सदनीय प्रतियोगिता यानी कि इंट्रामुरल कंपटीशन किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो इंट्रामुरल एंड एक्स्ट्रामुरल। इंट्रामुरल क्या होता है, जो एक विद्यालय या महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के चार दीवारी के अंदर जो प्रतियोगिताएं होती हैं उन्हें इंट्रामुरल कंपटीशन कहते हैं, जबकि एक्स्ट्रामुरल क्या होता है कि एक विद्यालय का दूसरे विद्यालय के बच्चों से कंपटीशन होता है उसे एक्स्ट्रामुरल कहते हैं, एक संस्था से दूसरे संस्था के बीच। तो यहाँ इंट्रामुरल कंपटीशन के लिए महत्वपूर्ण है विद्यालय स्तर, महाविद्यालय स्तर एंड विश्वविद्यालय स्तर, उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रारंभिक सोपान यानी इनिशियल स्टेयर में बाल्यावस्था चाइल्डहुड की अपेक्षा वृद्धि की गति होती है। तो बाल्यावस्था से प्रारंभिक सोपान की जो वृद्धि की गति होती है धीमी गति होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे आपको मिलान करना है सूची वन का टू के साथ। तो यहाँ पे समय सारणी, अभ्यासक्रम यानी सिलेबस, कैरिकुलम एंड व्यवसायिक नीति शास्त्र दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा समय सारणी यानी टाइम टेबल। टाइम टेबल हम किस लिए बनाते हैं दोस्तों? तो एक का फोर हो जाएगा कि किसी के द्वारा किया गया और
कब किया गया दर्शाना दर्शाता पत्रक, ये टाइम टेबल होता है, यानी कि किसी के द्वारा कौन सा कार्य कब किया गया, ये टाइम टेबल होता है। दूसरा है अभ्यास क्रम यानी सिलेबस। सिलेबस क्या होता है, एक विषय वस्तु यानी कॉन्टेक्स्ट की रूपरेखा होती है कि हाँ ये चीज़ें हैं। पाठ्यक्रम यानी कैरिकुलम क्या होता है, सिलेबस और पाठ्यक्रम में अंतर है, सिलेबस अलग है। पाठ्यक्रम कैरिकुलम क्या होता है, कैरिकुलम होता है, 3x2 हो जाएगा, सभी ज्ञान अनुभव का समावेश वाला एक दस्तावेज जो विद्यार्थियों को दिया जाता है, वो कैरिकुलम पाठ्यक्रम होता है। और चौथा है व्यवसायिक नीति शास्त्र, प्रोफेशनल एथिक्स, ये क्या होता है, एक संस्था द्वारा पढ़ाई का अभ्यासक्रम पेश करना। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करने का महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे दिनचर्या, सकारात्मक जीवन शैली यानी कि पॉजिटिव लाइफ स्टाइल, दृष्टिकोण यानी एटीट्यूड एप्टीट्यूड दिया हुआ है। बट रूटीन तो होना चाहिए, लेकिन कैसा रूटीन होना चाहिए, नेगेटिव की पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लाइफ स्टाइल आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, पॉजिटिव लाइफ स्टाइल, सकारात्मक जीवन शैली। नेक्स्ट है, मछली में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण आहारी तत्व क्या है। तो मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट है, वायु दिशा सूचक यंत्र को क्या कहते हैं, यानी कि वायु की दिशा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं दोस्तों। तो वायु की दिशा मापने के यंत्र कहते हैं विंड गेज, क्या कहते हैं, विंड गेज, जो कि वायु हवा का वेग मापने के यंत्र को विंड गेज कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में 2009 में फैलने वाला संक्रामक रोग था, तो वह था H1N1। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सुमेलित है बस उसी को देखना है। यहाँ पे खाली आंख का संक्रमण आपको पता है कि आंखों में होता है ट्रेकोमा, एंड सभी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, अधिभार यानी ओवरलोडिंग के सिद्धांत हैं। तो दोस्तों ओवरलोड किसे कहते हैं, जैसे कि जो ओवरलोड होता है, अतिभार जिसे कहते हैं, सारी प्रक्रिया को उस अवस्था की ओर संकेत करता है जब उपलब्ध प्राणवायु ऑक्सीजन अर्थात अंतर्ग्रहण शरीर की आवश्यक ऑक्सीजन पूर्ति को उपलब्ध कराने में अपर्याप्त होता है, यानी कि ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण शरीर की मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है, इसी को ओवरलोड कहते हैं। तो यहाँ पे ओवरलोड कब होता है, सामान्य से अधिक हम भार देते हैं तब, तो भार सामान्य से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि आइसोट्रोनिक कंट्रक्शन को यह भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे आइसोट्रोनिक कंट्रक्शन को डायनेमिक कंट्रक्शन भी कहते हैं, जबकि आइसोमेट्रिक को स्थिर कंट्रक्शन। तो आइसोटोनिक को गतिशील संकुचन यानी डायनेमिक कंट्रक्शन तो कहते ही हैं, बट इसको हम कंसेंट्रिक कंट्रक्शन एंड इसेंट्रिक कंट्रक्शन भी कहते हैं। तो तीन तीन ऑप्शन दिया हुआ है केवल आइसोटोनिक से रिलेटेड, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंसेंट्रिक कंट्रक्शन खाली तो होगा नहीं, यहाँ पे दिया हुआ है ग, लेकिन ग नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पे तीनों ऑप्शन राइट है, बट यहाँ पे ज्यादा अगर मान्यता देंगे तो डायनेमिक कंट्रक्शन आपका राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्न में से हेप्टाथलॉन में कौन सी स्पर्धा सम्मिलित नहीं है। जैसा कि मैंने आपको डेकाथलॉन, हेप्टाथलॉन, पेंटाथलॉन एंड ट्राइथलॉन के बारे में कंबाइंड इवेंट में एथलेटिक्स वाले प्लेलिस्ट में जाइए और सभी चीजें ट्रिक के साथ देखिए, एक बार देखने के बाद कभी नहीं भूलेंगे। तो हेप्टाथलॉन का ट्रिक था कि 100 मीटर का ऊंचा गोला 200 में खरीदा और बेचने पर लाभ 800 का हुआ। तो 100 मीटर का ऊंचा गोला यानी 100 मीटर दौड़ है, ऊंचा गोला भी, ऊंचा मतलब ऊंची कूद भी है, ठीक है, ऊंची कूद भी है, 100 मीटर का ऊंचा गोला, गोला मतलब गोला फेंक भी है, यहाँ पे नहीं दिया है, और 200 मीटर दौड़ भी है, एंड दूसरे दिन का ट्रिक है बेचने पर लाभ 800 का हुआ। लाभ, लाभ से यानी कि भाला फेंक, लंबी कूद, ठीक है, बहुत से भाला फेंक, जेवलिन थ्रो,
यहाँ पे तीनों हैं, बट आपका तस्तरी फेक यानी डिस्कस थ्रो हेप्टाथलान के अंतर्गत नहीं है। हेप्टाथलान में 7 इवेंट्स होते हैं, 3 ट्रैक और 4 फील्ड इवेंट, 2 दिन में संपन्न होता है। प्रथम दिन 4 इवेंट और दूसरे दिन 3 इवेंट। प्रथम दिन 4 इवेंट में 100 मीटर हर्डल रेस, ऊंची कूद, गोला फेंक, 200 मीटर दौड़, एंड दूसरे दिन में 3 इवेंट है, लंबी कूद, भाला फेंक एंड 800 मीटर दौड़। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से खेल में खेल के दौरान टाइम आउट का प्रावधान नहीं है? तो दोस्तों फुटबॉल में कोई टाइम आउट नहीं दिया जाता। नेक्स्ट आपको मिलान करना है सूची 1 का 2 से। तो यहाँ पे आपको जो स्किल टेस्ट से रिलेटेड है, बैडमिंटन जो है, बैडमिंटन किससे रिलेटेड है, तो आपका बैडमिंटन रिलेटेड है लोकार्ट एंड मैक्सिफेसन टेस्ट से, ठीक है, तो 1 का 2 हो जाएगा। हॉकी हरबंस सिंह टेस्ट से, एंड वॉलीबॉल जो है वो रसल लैंज टेस्ट, एंड शारीरिक स्वास्थ्य फ्लिसमैन बैटरी से रिलेटेड है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान यानी रिसर्च में विवरणात्मक डिस्क्रिप्टिव अध्ययन विवरण और विश्लेषण करता है, तो यह करता है आपका वर्तमान अवस्था का। नेक्स्ट है, यदि अंकों का वितरण एक रूपीय यानी कि सिमेट्रिकल हो तो इसका मध्य यानी मीन और मीडियन क्या होगा? तो दोस्तों इसका मीन और मीडियन बहुत लग आच्छादित यानी ओवरशैडो द मोड होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे मसल्स रिलेटेड है, आपको एक दूसरे से मिलान करना है, तो यहाँ पे हेमस्ट्रिंग मसल्स है, तो हेमस्ट्रिंग मसल्स कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों? तो हेमस्ट्रिंग मसल्स जो है जांघ के पीछे पाया जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हेमस्ट्रिंग मसल्स 3 हो जाएगा आपका, 1 का 3, जांघ का पार्श्व यानी बैक भाग जो घुटने को मोड़ने में काम आता है। दूसरा है ग्लूटियस मसल्स, आपके हिप में है यानी कुल्हे में, तो दूसरा का 1 हो जाएगा। लैटिमस डोर्सी हमारे पीठ में होती है, कमर वाले भाग में पीछे, तो पार्श्विक रूप से पीछे आपका राइट हो जाएगा। एंड गैस्ट्रोनिमियस मसल्स हमारे पिंडली की कॉफ मसल्स होती है, तो 4 का आपका हो जाएगा 4। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ग यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कमेटी के सुझाव पर 1957 में लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना ग्वालियर में हुई थी? तो दोस्तों यह ताराचंद कमेटी के सुझाव पर हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा परीक्षण कार्डियोवैस्कुलर सहनशीलता का परीक्षण नहीं है? तो दोस्तों टटल पल्स रेडियो टेस्ट भी है, एंड हार्ट स्टेप टेस्ट भी है, रन वॉक परीक्षण भी है, तीनों कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस के परीक्षण हैं, बट आपका फिलिप्स JCR परीक्षण नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रबंधन का कार्य नहीं है? तो योजना बनाना भी है, रिडायरेक्टिंग भी है, समन्वय को ऑपरेशन भी है, बट आपका यूनियन नेतृत्व नहीं है। नेक्स्ट है, भागीदारी यानी पार्टिसिपेटिव प्रकार के नेतृत्व लीडरशिप में क्या होता है? तो इस प्रकार के लीडरशिप में अधीनस्थों यानी सब ऑर्डिनेट को निर्णय लेने के साथ जुड़ा जाता है। नेक्स्ट है, एक अच्छे परीक्षण के अंगों के अवरोही डिसेंडिंग महत्व का क्रम क्या है? अवरोही मतलब बड़े से छोटे घटते क्रम में, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कि एक अच्छे परीक्षण के लिए आपका रिलेबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड होता है, बट आपको सबसे पहले उसमें वैधता यानी कि वैलिडिटी देखा जाता है, फिर वस्तुनिष्ठता देखा जाता है, फिर विश्वसनीयता यानी कि रिलेबिलिटी देखा जाता है, फिर प्रशासनिक क्षमता देखा जाता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट है, न्यूनतम प्रश्वास यानी मैक्सिमम इंस्पायरेशन, मैक्सिमम दोस्तों यहाँ न्यूनतम नहीं है, अधिकतम होगा,
ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम लिखा है, मैक्सिमम इंस्पायरेशन के बाद छोड़ी गई वायु की महत्तम मात्रा यानी कि फोर्सफुली एक्सपायर्ड क्या है, तो अधिकतम अंतःश्वसन के बाद अधिकतम एक्सपायरेशन यानी कि अधिकतम अंतःश्वसन के बाद हवा की सबसे बड़ी मात्रा जो श्वास द्वारा छोड़ी जाती है उसको वाइटल कैपेसिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाइटल कैपेसिटी। और टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? जो सामान्य अवस्था में हम सांस ले रहे हैं अंदर बाहर, उसे टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। नेक्स्ट है आंतरिक शरीर वित्तीय इंटरनल फिजियोलॉजिकल में साम्यावस्था और संतुलन अवस्था स्टेट ऑफ बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको हम कहेंगे मेटाबॉलिज्म। क्या कहेंगे? मेटाबॉलिज्म, चय अपचयी। क्योंकि दोस्तों जो हम आपको स्पोर्ट ट्रेनिंग वाले प्लेलिस्ट में जाएंगे तो लोड एंड एडाप्टेशन में मैंने बताया हुआ है कि होम्योस्टेसिस क्या होता है। होम्योस्टेसिस जो होता है, जो भार होता है, भार देना आवश्यक होता है, क्योंकि डेली बेसिस पर आप एक नॉर्मल कंडीशन पर चलते रहेंगे तो आपका विकास यानी आपका स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा। तो जितना आप करते हैं उसे थोड़ा सा अधिक भार दिया जाता है तो कुछ समय के लिए आपके शरीर तंत्र पर बाधा उत्पन्न होती है, उसी को होम्योस्टेसिस कहा जाता है। लेकिन एक समय ऐसा होता है कि उस होम्योस्टेसिस स्तर को बार बार करने से हमारा शरीर जो है उसमें सामंजस्य बैठा लेता है, वो एक प्रकार का मेटाबॉलिक बदलाव आता है जिसे अनुकूलन कहते हैं। इसलिए यहाँ पे मेटाबॉलिक बोलिंग में आपका राइट आंसर हो जाता है। यानी कि होम्योस्टेसिस किसे कहते हैं? जो भार है वो प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिता की मांग को काबू पाने की एक प्रक्रिया है, भार यानी लोड, जिससे मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक तंत्रों यानी फिजियोलॉजिकल स्तर पर कुछ समय के लिए व्यवधान पैदा यानी बाधा पैदा होता है जिसे होम्योस्टेसिस कहते हैं। जब मानव का शरीर इस होम्योस्टेसिस स्तर से पहले स्थिति में या इस स्थिति के साथ सामंजस्य बैठा लेता है तो यह एक साधारण सी क्रियात्मक अवस्था होती है। यदि ये होम्योस्टेसिस जो बाधा होता है बार बार व्यवधान पैदा करी तो मानव शरीर में संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल एंड मेटाबॉलिक बदलाव आने लगते हैं जिसे व्यक्ति भार यानी लोड को आराम से सहन करने लगता है, इसी को अनुकूलन कहते हैं। यहाँ मेटाबॉलिज्म में इसलिए राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 110 मीटर हॉर्डल रेस में प्रारंभिक रेखा से प्रथम हॉर्डल की दूरी कितनी होती है? दोस्तों तो 13.72 मीटर होती है। नेक्स्ट है आपको यहां पे मिलान करना है क्वेश्चन नंबर 49 में। टी परीक्षण क्या होता है? टी परीक्षण का मतलब होता है दो समूहों में अंतर को जानने की एक सांख्यिकी यानी स्टैटिकल विधि होती है। तो एक का टू हो जाएगा। अनुमान यानी इनफेरेंस क्या होता है? तो ये हो जाएगा कुछ अधिक, थ्री हो जाएगा, टू का थ्री, कुछ अधिक बड़े समूहों के परिणामों का साधारणकरण, तो टू का थ्री हो जाएगा। थ्री है सैंपल। सैंपल क्या होता है? किसी का नमूना होता है, यानी कि सहभागियों का समूह जिस शोध के लिए बड़ी जनसंख्या को चुना गया है, तो थ्री का वन हो जाएगा। जनसंख्या क्या होता है? वह बड़ा समूह जिसमें सैंपल को लिया गया हो उसे जनसंख्या कहेंगे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट है एंड लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का कि बुद्धि लब्ध यानी आईक्यू यानी कि इंटेलिजेंस क्वोटेंट को मापने का फॉर्मूला क्या है? आपको पता है आईक्यू बराबर एमए बटा सीए गुणे 100। तो यहां पे हो जाएगा मानसिक आयु बटे क्रोनोलॉजिकल आयु। यहाँ पे आपका हो जाएगा एम ए बट्टा सी ए गुड़े 100, यानी कि मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज गुड़े 100। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये था आज के सेशन में 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस। समय ज़्यादा इसमें लगा है बट एक एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए और डेली बेसिस से मेरे साथ बने रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको यह पता हो सके कि आप किस पॉइंट में ज़्यादा कमज़ोर हैं, किसको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस में, तब तक के लिए जय हिंद।